राफेल बॉन्ड को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी का कहना है कि वो पहले फैसले को पूरी तरह से पढ़ेगी, उसके बाद ही इस पर प्रतिक्रिया देगी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने ये बातें कही हैं। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक चुनाव में पारदर्शिता के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था। सुन लेते हैं। आज जब मैं पार्टी के राष्ट्रीय मंच पर बैठा हूं तो कुछ बातें हम कहना चाहते हैं। ये निर्णय एक बहुत ही प्रामाणिक उद्देश्य के लिए लाया गया था। दिस डिसीजन वॉज अंडरटेकन फॉर ए वेरी लॉडेबल ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो, उसके लिए भी लाया गया था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और हमारे जितने चंदा देने वाले लोग हैं, उनकी अपेक्षा थी कि अगर उचित होगा कि हमारे लिए भी गोपनीयता रखी जाए, और ये बहुत अस्वाभाविक नहीं है। मैं आपको एक अपने राजनीतिक अनुभव से बात कहना चाहता हूं। कहीं पर कोई सरकार है तो हम उनको सहयोग करते हैं। अब मान लीजिए वो सरकार हार गई और उनके विरोधी दूसरी जगह आए तो वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए कोई ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं तो उनको अपना काम करें, ऐसा विचार था। और रविशंकर प्रसाद को ये सब कुछ क्यों कहना पड़ा, ये हम आपको बता देते हैं। आज कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से वोटर के जानने के अधिकार का हनन होता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या कुछ कहा, एक बार सुन लेते हैं। The issuing bank shall herewith stop the issuance of electoral bonds. B. State Bank of India shall submit details of the electoral bonds purchased since the interim order of this court dated 12 April 2019 till date to the Election Commission of India. The details shall include the date of purchase of each electoral bond, the name of the purchaser of the bond, and the denomination of the electoral bond purchased. C. State Bank of India shall submit the details of political parties which have received contributions through electoral bonds since the interim order of this court dated 12 April 2019 till date to the Election Commission of India. SBI must disclose details of each electoral bond encashed by political parties, which shall include the date of encashment and the denomination of the electoral bond. D. SBI shall submit the above information to the ECI within 3 weeks from the date of this judgment, that is by 6 March 2024. E. The ECI shall publish the information shared by the SBI on its official website within 1 week of the receipt of the information, that is by 13 March 2024. तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक कोर्ट ने इलेक्टोरल बोर्ड जो पूरा बॉन्ड है उसको असंवैधानिक करार दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चुनावी बॉन्ड में पारदर्शिता नहीं थी। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को 5,200 करोड़ रुपए मिले हैं। तो वहीं कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अध्यादेश लाने का डर भी जाहिर किया है। अब जो 95% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा एक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिला, हम भी यह जानना चाहते हैं, देश भी यह जानना चाहता है कि उसके एवज में आपने क्या हवाई अड्डे बेचे हैं, आपने क्या कोयले की खदानें बेची हैं, आपने क्या किया है, या एमएलए खरीदे हैं, या नए सूट सिलवाए हैं, यह जानने का हक हम सबको है, या नए हवाई जहाज खरीदे हैं, हमें नहीं मालूम आपने क्या खरीदा। 95% यानी कि 5,200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के अकेले के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का खुले दिल से स्वागत करते हैं।
तो चलिए अब एक नजर हम राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर डाल लेते हैं। तो राष्ट्रीय दलों को 2017 से 2022 के बीच चुनावी बॉन्ड से चंदे में 743% बढ़ोतरी हुई है। वहीं कॉरपोरेट चंदे में 48% की वृद्धि हुई है और इसमें सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो सत्ताधारी दल बीजेपी को हुआ है। अगर क्षेत्रीय दलों के चंदे की बात करें तो साल 2017 से 2022 के बीच चुनावी बॉन्ड से चंदे में 14,026.4% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कॉरपोरेट से मिले चंदे में 379.55% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है वो भी आपको सुनवा देते हैं। तो वो हुकूमत और जो पार्टी है वो माने और उस पर अमल करें और ये बताएं कितना मिला है उनको, कहां से मिला है और कितना उनका खजाना है इस बारे में। अच्छा है डॉक्टर, आम आवाम को मालूम होना चाहिए। हम उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो कि एक बहुत बड़ा लीगलाइज भ्रष्टाचार था और जो केवल भाजपा को फायदा पहुंचाता था उसे असंवैधानिक करार देना अपेक्षित था, उस प्रकार से निर्णय भी आया है तो हम उसका स्वागत करते हैं और कांग्रेस की तरफ से मांग करते हैं कि इस भ्रष्टाचार में किसको फायदा हुआ और किस तरह से फायदा किया गया इसकी भी जांच हो। Z News.